आलम साहब ने वो काम किया है कि पूरे आलम में उनकी जो बात गई है, तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जो कहते थे ना कि मैं आऊंगा सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा, अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए, निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं, तो देश की जनता को समझना चाहिए कि यह तथाकथित संपत्ति के बंटवारे की, तथाकथित क्रांति के बारे में अगर कोई उनके मन में भ्रांति हो देश में, तो वो स्पष्ट हो जानी चाहिए। मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, ये तो वो वाली बात है ना, जैसे पुराने जमाने में एक डायलॉग सुनते थे कि साहब इतनी गोलियां चलेंगी कि खोखे बटोरने वाले भी लखपति हो जाएंगे। तो आज स्थिति यह है कि मंत्री के निजी सचिव के नौकर करोड़पति हो गए साहब। तो बस अब ये मुझे लगता है कि अब कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं हो गई। जो आंखों के आगे दिख रहा है उनके तथाकथित संपत्ति के बंटवारे के फार्मूले को, क्योंकि उन्हें हिंदी की बातें हैं और भारतीय भाषाओं संस्कृत की अच्छी नहीं लगेंगी, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो फारसी में भी समझ लीजिए, बिल्कुल सामने दिख रहा है। देखिए कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं, एक के बाद एक नेता घुटन महसूस कर रहा है, यह उनका अंदरूनी मामला है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो अंदर की उनकी स्थिति है वो पूरी तरीके से उजागर होती चली जा रही है।